आज हम ग्रामीण विकास में कृषि के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं कृषि के बारे में अध्ययन करना। चलिए ग्रामीण विकास में कृषि, कृषि क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है। यह विज्ञान की वह शाखा है जो खेती, अन्य उपजाना तथा उसके रख रखाव के विषय में अध्ययन कराती है। किसके बारे में? यह वह शाखा है जो खेती के अन्न कैसे उपजाया जाता है और उसको कैसे रख रखाव उसका किया जाएगा, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन ही हमारा कृषि के अंतर्गत किया जाता है, जिसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। कृषि का महत्व क्या है? पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं का जीवन परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कृषि या वनस्पति पर निर्भर है। वनस्पति से जीव जंतुओं के भोजन तथा ऑक्सीजन के अलावा जनसंख्या हेतु वस्त्र, आवास और दवाओं आदि की पूर्ति भी की जाती है। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, कृषि का क्या महत्व है, हमको जीने के लिए जो भी चीज़ें मतलब चाहिए वो हमको किससे मिलती है, कृषि के थ्रू ही मिलती है। इसलिए हमारा कृषि का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही उच्च है। कृषि से संबंधित परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न दिए हैं। देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी 54.6% कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों में लगा हुआ है। मतलब इतने लोग जो हैं कृषि और या मजदूरी हेन तेन काम करते हैं। देश के सकल मूल्य संवर्धन में कृषि क्षेत्र का कितना परसेंट है? 17.4% 17.4% हिस्सा है। भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए सन 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति मंजूरी दी गई। कौन सी नीति? राष्ट्रीय किसान नीति सन 2007 में। सातवीं अनुसूची में कृषि को राज्य का विषय लिखा गया है। सातवीं अनुसूची में किस में? राज्य का विषय है। कृषि किसका विषय है? राज्य का विषय है। राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना, जो राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना सन 2004 में की गई थी। इस समय देश में 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी योजना? 10वीं पंचवर्षीय योजना सन 2000 किसकी स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना की गई थी। जो देश में 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, राष्ट्रीय कृषक आयोग द्वारा कृषि को संवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई, लेकिन कृषि अभी भी राज्य सूची में। राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना कब हुई थी? सन 2004 में। इसके थ्रू किसमें शामिल करना? संवर्ती सूची में। लेकिन ये किस सूची में? राज्य सूची में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना, आप देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1929 में की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में। कहाँ पर मुख्यालय? दिल्ली में। कब की गई? 1929 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उन्नत कृषि, पशुपालन, कृषि क्षेत्र एवं संबंध गतिविधियों के प्रबंधन और मार्गदर्शन का सर्वोच्च निकाय। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूरे भारत में 101 शाखाएं विकसित की गई हैं। इनमें से इससे संबंधित पूरे भारत में 71 कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। केंद्रीय बागानी संस्थान मेजीफेमा नागालैंड में अवस्थित है। कहाँ पे है? केंद्रीय बागानी संस्थान मेजीफेमा कहाँ? नागालैंड में है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1947 में कृषि एक खाद्य मंत्री कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 1947 में कौन था? कृषि मंत्री और या खाद्य मंत्री कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? पंजाब राव देशमुख थे। फसलों का वर्गीकरण ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण, चलिए देखते हैं। जायद कौन सा है? जायद। अब देखिए इस तरह की फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और ये फसलें अत्यधिक गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने योग्य होती हैं। खीरा तरबूज ककड़ी। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखेंगे अगला हम खरीफ की फसल। खरीफ मतलब जो बरसात में बोई जाती है, देखिए जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काटी जाती है। इस तरह की फसलों की बुआई के समय ज़्यादा तापमान और आर्द्रता तथा पकने के साथ समय शुष्क वातावरण की जरूरत होती है। जैसे देखिए चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, तिल हो गया, मूंगफली हो गया, तंबाकू, जूट, कपास, गन्ना आदि रबी फसलें। रबी की फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। कब बोई जाती है? अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। इस तरह की फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा कटाई के समय अधिक ज़्यादा तापमान होनी चाहिए। गेहूं, चना, जौ, सरसों और मटर। गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर ये रबी की फसल में आती हैं। पौधे के जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। एक वर्षीय होता है, द्विवर्षीय होता है, बहुवर्षीय होता है। एनुअल्स हो गया, बाय एनुअल्स हो गया और पेरिनियल्स हो गया। देखिए एक वर्षीय मतलब यह अपना जीवन चक्र वर्ष के अंदर पूरा कर लेता है। गेहूं, चना, जौ, सोयाबीन, सूरजमुखी इत्यादि यह पहले वर्ष में वृद्धि करते हैं और दूसरे वर्ष में बीज उत्पादन करते हैं, चुकंदर आदि। इस वर्ग के पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। लुडसन, नेपियर, ग्रास, गन्ना आदि। भूमि की उपयोगिता के आधार पर, हल्की भूमि वाली फसलें, भारी भूमि की फसलें, मध्यम भूमि की फसलें। हल्की भूमि की फसलें, इस वर्ग की फसलें हल्की भूमि में अच्छी वृद्धि करती हैं। बाजरा, मूंग, ककड़ी, खरबूजा, मूंगफली इत्यादि। इस वर्ग की फसलें भारी मृदा में अधिक उत्पादन होती हैं। कपास, धान। मध्यम भूमि की फसलें ज़्यादातर सब्जियां मध्यम भूमि में उपजाई जाती हैं। अधिक दृष्टिकोण के आधार पर, देखिए अनाज की फसलें गेहूं, जौ, धान तीन हैं। मोटे अनाज कौन सा है? ज्वार, बाजरा और मक्का, कोदो, मड़ुआ, काकून। काकून दलहनी फसलें चना, मूंग, मटर, मसूर, सोयाबीन, अरहर इत्यादि। चारे की फसलें बरसीन, ज्वार, लोबिया, लुरसन, नेपियर, घास इत्यादि। रेशे की फसलें कपास, जूट, सनई, फ्लैक्स इत्यादि। चीनी देने वाली फसलें चुकंदर, गन्ना इत्यादि। वनस्पतिक वर्गीकरण, वनस्पतिक वर्गीकरण घास परिवार, ग्रामिनीज। गेहूं, जौ, धान, गन्ना, बाजरा, मक्का, ज्वार, कोदो, शावा इत्यादि। मटर परिवार, मटर, चना, मूंग, उड़द, अरहर, सनई, लोबिया, मसूर, सोयाबीन इत्यादि। आलू परिवार, आलू, तंबाकू, भिंडी, धतूरा, बैगन, टमाटर, मिर्च इत्यादि। कंपोजिटी परिवार, सूरजमुखी, गेंदा, बायसूरी इत्यादि। चीना पोडेसी परिवार, चुकंदर, भथुआ इत्यादि। लिजियेसी परिवार, प्याज, लहसुन, प्याजी इत्यादि। कृषि महत्व का वर्गीकरण, मृदा में पीएच के आधार पर, ऊसर मृदा की फसलें, ऊसर मृदा की फसलें धान, जौ, वर्सीन, मटर, ढेंचा। अम्लीय भूमियों की फसलें बकहीट, राई, आलू। मृदा कटाव के आधार पर, मृदा कटाव रोकने वाली फसलें मूंग, लोकिया, मूंगफली। मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलें मक्का, अंडी आदि। खेत की विधियां प्रणाली, विविध प्रणालियां, खेत की विविध प्रणालियां। चलिए देखते हैं। स्थान विशेष की भौतिक अवस्थाओं एवं अन्य उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार खेती की अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। इन विधियों का संक्षिप्त उल्लेख निम्न प्रकार है। विस्तृत खेती, एक्सटेंसिव खेती, इसके अंतर्गत खेतों का आकार बड़ा होता है,
अधिकांश कार्य यांत्रिक उपकरणों की सहायता से होते हैं। शारीरिक श्रम कम लगता है और पूंजी बहुत अधिक लगती है, जिसमें जनसंख्या का दबाव कम होता है। सघन खेती, इसमें श्रम एवं पूंजी अधिक लगती है, खेती का आकार छोटा होता है, उन्नत बीजों एवं उर्वरकों का प्रयोग होता है, इसमें भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। नम खेती, जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ वहाँ जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ कृषि की यह प्रणाली अपनाई जाती है। चावल, जूट, गन्ना आदि इस खेती के अंतर्गत प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। शुष्क खेती, ऐसे स्थानों पर जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और सिंचाई की सुविधाएं का अत्यंत अभाव होता है, ऐसे स्थानों पर खेती की यह प्रणाली अपनाई जाती है। इस विधि से खेती दक्षिण भारत और पश्चिमी राजस्थान में की जाती है। गेहूं, ज्वार, बाजरा, दलहन इसकी प्रमुख फसलें हैं। मोनो सिंगल खेती, ऐसी खेती उन क्षेत्रों में की जाती है। एकल खेती, ऐसी खेती उन क्षेत्रों में की जाए जहाँ का वातावरण किसी फसल विशेष के लिए ही उपयुक्त हो। असम, पश्चिम बंगाल में चाय की खेती इस प्रकार की खेती का एक उदाहरण है। झूम खेती, शिफ्टिंग खेती, जब वन प्रदेशों में जंगलों को जलाकर जमीन को खेती योग्य बनाकर खेती की जाती है तो उसे झूमिंग खेती कहते हैं। ऐसी खेती असम, मेघालय के पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। रोपण, प्लांटेशन, रबर, चाय, कहवा, नारियल, कपास और नकदी फसलों की खेती रोपण विधि से की जाती है। इसमें बड़े बड़े पौधे लगाकर खेती की जाती है। भारत की फसलें और उनके कृषि, पहला चावल, पहला क्या है चावल, यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है। भारत का चावल का क्षेत्रफल संसार में सबसे अधिक है। भारत में खाद्यान्न योग्य भूमि के 47% भाग पर चावल का उत्पादन होता है। जलोढ़ मिट्टी में यह सर्वाधिक होता है। इसका अच्छी कृषि के लिए वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर बोते समय और तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पकने के समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। उत्पादक पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु है। गेहूं की कुल कृषि योग्य भूमि 15% भाग पर चावल का उत्पादन होता है। कृषि देश की भूमि के लगभग 15% भाग पर चावल का उत्पादन होता है। और हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा है। मुख्य रूप से यह दोमट मिट्टी में होता है। 50 से 75 सेंटीमीटर तापमान में बुआई के समय तथा 10 से 15 डिग्री में कटाई के समय 20 से 25 डिग्री होना चाहिए। जौ, शुष्क बलुआई मिट्टी में। मक्का, गहरी दोमट मिट्टी में जो नाइट्रोजन युक्त हो। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तथा तापमान 25 डिग्री 30 डिग्री हो। मूल स्थान अमेरिका है मक्का का। मूंगफली, हल्की रेवोली मिट्टी, वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर, तापमान 15 से 25 सेंटीमीटर। चाय, आर्द्र उष्ण आर्द्र जलवायु, वर्षा 250 सेंटीमीटर, उच्च तापमान 24 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीमीटर एवं गंधक वाली मिट्टी। सस्ते श्रमिक एवं जड़ों में पानी देना नहीं लगना चाहिए। कहवा, भारत में कहवा का उत्पादन कम होता है। वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर तक, तापमान 10 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कपास, प्रायद्वीपीय पठारी भाग के काली मिट्टी वाले क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन एवं वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक, तापमान 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तंबाकू, उष्ण आर्द्र जलवायु में वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक तथा तापमान
से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जूट 100 से 120 सेंटीमीटर तक, तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। देश का 50% जूट पश्चिम बंगाल में उत्पादित होती है। गन्ना यह भी दोमट मिट्टी में उपजाया जाता है। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, तापमान 20 से 25 सेंटीमीटर। दालें प्रोटीन का की स्रोत हैं, ये रबी एवं खरीफ दोनों फसल हैं। रबर देश में रबर की 1900 में मार्किप्स ऑफ सेलिसवरी के प्रयत्नों से कृषि प्रारंभ हुई। वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर चाहिए रबड़ के लिए। कृषि क्षेत्र के कुछ क्रांतियां याद रखिएगा। क्रांतियां बहुत कुछ था। चलिए देखते हैं। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित, हरित क्रांति अनाज उत्पादन से संबंधित, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित, सिल्वर क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित, रजत क्रांति अंडा और मुर्गी से मुर्गी उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, लाल क्रांति मांस व टमाटर, सुनहरी क्रांति बागवानी क्रांति, गुलाबी क्रांति झींगा क्रांति, गोल क्रांति आलू उत्पादन क्रांति, ब्लैक क्रांति वैकल्पिक ऊर्जा, बादामी क्रांति मसालों का उत्पादन, इंद्रधनुषी क्रांति दूसरी कृषि नीति सन 2000। कृषि के विशेष प्रकार अरवरी कल्चर, विशेष प्रकार के वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि, इनका संरक्षण और संवर्धन। फ्लोरी कल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि। एपी कल्चर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी पालन। से मैरी कल्चर समुद्री जीवों से उत्पादन की प्रक्रिया। ओलेरी कल्चर जमीन पर फैलने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियों की कृषि। पीसी कल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया। सिल्वी कल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया। सेरी कल्चर रेशम पालन और शहतूत आदि की कृषि। विटी कल्चर व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन। वर्मी कल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली चूहा पालन की क्रिया। मेरी कल्चर रेशम कीट हेतु व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली शहतूत की कृषि। पामोलॉजी के अंदर फूलों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंदर बागानी अथवा फलों की कृषि का अध्ययन किया जाता है। एक्वाकल्चर व्यापारिक मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। हाल ही में भारत सरकार की कुछ प्रमुख विशेषता योजनाएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना PMKSY, परंपरागत ऊर्जा कृषि विकास योजना PKVY, राष्ट्रीय कृषि बाजार, किसान क्रेडिट कार्ड। इस तरह हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है।